सो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो? आई होप सभी से बना बेहतर हो गया। डेफिनेटली इंडियन कोस्ट गार्ड के जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका स्टेज टू का रिजल्ट आ चुका है। स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड का रिजल्ट डेफिनेटली आप सभी का अनाउंस हो चुका है और काफ़ी सारे कैंडिडेट का यहाँ पे फाइनल रिजल्ट भी हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेटली हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और आप सभी का जो डाउट आ रहा हो डेफिनेटली मुझसे कॉमेंट सेक्शन में आज कर लेना। मैं थोड़ा सा जस्ट आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया, ये अभी किसी का आया हो गया भी ICG में, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसा काफ़ी सारे लोगों का आया बट मैंने जैसे ही फ़ोन ओपन किया है बट टेलीग्राम पे कैंडिडेट ने बता दिया था, अपना एक दोस्त है सिवान से, वो दूसरे नंबर पे मेंबर है, ठीक है, तो वहाँ पे उसने शेयर कर दिया है कि क्या कट ऑफ रहा है, देख सकते हो आप सभी। तो जनरल का जो कट ऑफ गया 79 नंबर है, OBC का 77 और EWS का 76 नंबर। यहाँ पर कट ऑफ 110 मार्क पर बनता है। और एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी को बता देता हूँ, टेलीग्राम पे आके वो चीज़ दे सकते, देख सकते जो भी कैंडिडेट टेलीग्राम पे नहीं हो डेफिनेटली जुड़ जाना। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ सारा का सारा यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है। रिजल्ट देखने के लिए मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे SC कैटेगरी और ST कैटेगरी का कट ऑफ या फिर नाविक DB का किसी भी कैटेगरी का कट ऑफ कॉमेंट सेक्शन में आप सभी बताओगे अगर आपको पता चला है। नहीं पता चला है तो भाई मेरे कोई बात नहीं, टेंशन लेने वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब इस कट ऑफ से एक जो कैंडिडेट आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक अंदाजा लगा लेना चाहिए कि भाई इस तरह से कोस्ट गार्ड पर कट ऑफ जाता है। फॉरवर्ड का इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ, 110 नंबर का पेपर होता है जो 80-85 के बीच में नंबर लाता है, 85 नंबर तक जो लाएगा उसका फाइनल सिलेक्शन 100 आउट ऑफ 100% हो जाएगा। लेकिन जो 100 से कम लाएगा वो भाई फंसने वाला, मतलब 100 कह रहा हूँ, जो 80 से कम लाएगा एज ए UR कैटेगरी उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मैं आप सभी को यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आप सभी का जो कट ऑफ है वो क्या लेवल है। मैक्स मार्क यहाँ पे देख रहे हैं, टोटल सेक्शन फर्स्ट का आपका जो होता है, सेक्शन सेकंड का होता है, ये पासिंग मार्क दे रखे हैं। सेक्शन फर्स्ट में आपको 30 लाने थे, सेक्शन सेकंड में 20 लाने थे। मैक्स मार्क पेपर होता है 60 नंबर का और यहाँ पे इन्होंने गेन किए हैं 44 नंबर 60 में से, और अगर बात करते हैं सेक्शन टू में 50 में से 31 नंबर, और जो कट ऑफ इन्होंने 110 में से 75 नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं यहाँ पे स्टेज सेकंड रिजल्ट की, तो पास दिखा रहा है बट इन्होंने शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया क्योंकि इनका जो कट ऑफ गया है वो कट ऑफ इनका गया है 79 नंबर, कट ऑफ जो गया है 79 नंबर गया है। उसके यहाँ पे अगर और भी कैंडिडेट का देख लेते हैं तो ये क्वालिफाई ये भी नहीं कर पाए हैं, ये भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। डेट ऑफ बर्थ प्रायोरिटी यहाँ पे मेंशन किया गया है, यहाँ पे फिट है बट इस तरह मीटिंग एट द कट ऑफ मार्क्स। तो मैं आप सभी के लिए जानकारी के लिए बता देता हूँ, नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज थर्ड, वी आर नॉट मीटिंग द कट ऑफ मार्क्स। तो अभी कट ऑफ मार्क्स जो फाइनल आने थे उसको ये प्राप्त नहीं कर पाए। काफ़ी सारे कैंडिडेट का हो भी गया है, जैसे आपको ये फर्स्ट वाला देखने को मिल सकता है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज थर्ड, प्रोविजनल ई एडमिट कार्ड फॉर स्टेज थर्ड के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो। आप सभी अगर जानना चाहते हो कि भैया इसके बारे में भी आप बता दीजिए कि कैसा कि ये स्टेज थर्ड वाला होता है प्रोसेस, तो मैं आप सभी के साथ में ये चीज़ भी अपडेट कर दूंगा। बाकी आप में से कितने कैंडिडेट का हुआ है कितनों का नहीं हुआ है वो मुझे कमेंट में शेयर करोगे, कोई क्वेरी आ रही हो तो कमेंट में आस्क कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखो काफ़ी सारे कैंडिडेट ने मुझे इन्फॉर्म किया, 6 बजे तक ही किया था। देखो यहाँ पे 6:26 पे भाई ने बताया हमारा हो गया भैया, आगे वीडियो बनाइए डॉक्यूमेंट के लिए, मतलब इनका हो गया है आगे इन डॉक्यूमेंट्स के लिए इनको वीडियो बनाना है, और उसके आगे वीडियो बनाइए डॉक्यूमेंट, ICG का फाइनल मेरी लिस्ट आ गई है भैया, लेकिन मैं तो गया फिर अब्सेंटिया क्यों लिखा रहा है कुछ इनका है, राम राम भैया टुडे BSF, चलो BSF का बाद में देख लेंगे। और इन्होंने ठीक है, तो और भी क्वेश्चंस जो चीज़ें मिलती हैं मैं आप सभी के साथ में अपडेट करूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आप सभी को समझ में आई हो। आप में से जिनका हो गया कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे की प्रिपरेशन करो। कट ऑफ के एक अंदाजा यहाँ से आप सभी लगा सकते हो, कट ऑफ का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हो कि इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। जो आपका अगला अटैम्प्ट होने वाला दिसंबर में, उसमें आपको 80-85 नंबर लाने पड़ेंगे अगर सिलेक्शन चाहिए। परमानेंट जॉब है, अच्छी सैलरी है, उसका पढ़ाई का मौका भी यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, एज ए नेवी के आप पार्ट हो जाते हो और परमानेंट हो जाते हो तो बेहतर अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए होती है। बाकी यही था जो मुझे आप सभी के साथ में शेयर करना था। इन्फॉर्मेशन जैसी भी लगी हो कमेंट में शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, इफ यू लाइक इट डेफिनेटली हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। टेक केयर, थैंक यू।